इससे वर्मा रोटेशनल मैकेनिक्स का न्यूमेरिकल 51, व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.5 केजी मीटर स्क्वायर एंड रेडियस 20 सेंटीमीटर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस एट एन एंगुलर स्पीड ऑफ 20 रेडियन पर सेकेंड. इट पिक्स अप अ स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास 200 ग्राम एट इट्स एज. फाइंड द न्यू एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील. तो ये व्हील रोटेट हो रहा है अबाउट इट्स एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है 0.5 केजी मीटर स्क्वायर और व्हील की रेडियस 20 सेंटीमीटर और एंगुलर वेलोसिटी पहले वो 20 रेडियन पर सेकेंड से मूव हो रहा था. अब क्या हो रहा है, जैसे कि इसे मान लो कि आयन की व्हील होगी और यहाँ पे थोड़ा सा मैग्नेट ला दिया हमने, तो ये क्या होगा, मैग्नेट इसे टच करेगा या कोई बाहर का एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल ऐसे इस पर गिरा, इसके एज पर गिरा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो गया. और यहाँ पे हम कोई बाहर से, जैसे 15 न्यूमेरिकल किया था, डंबल्स को हमने इंपल्स दिया था, वैसे यहाँ पे बाहर का कोई फोर्स नहीं, बाहर का कोई टॉर्क नहीं, मतलब यहाँ पे एक्सटर्नल टॉर्क, यहाँ पे एफ एक्सटर्नल टॉर्क जो होगा वो अब्सेंट है, इट इज जीरो. तो उस केस में क्या होता है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम यूज कर सकते, मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा. अब पहले तो कुछ उसके एंगुलर वेलोसिटी 20 रेडियन पर सेकेंड से रोटेट हो रही थी, ये उसके अबाउट एक्सिस. अब क्या हुआ है कि एक पार्टिकल उस पर गिरा और कहाँ पे गिरा, इस एज पर ये पार्टिकल गिरने वाला है, तो ये मास एम जो होगा ये यहाँ पे गिर गया, जिसका मास है 20 ग्राम. अब मास बढ़ा तो क्या होगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड होता है, मास और उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो वो चेंज होगा. अगर वो चेंज होता है तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी, तो वो वेलोसिटी कितनी होगी ये हमें बताना है. तो कैसे बताएंगे, तो यहाँ पे बाहर का टॉर्क नहीं है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या बोलेगा हमें कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मतलब L1 इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम. अब इनिशियल कितना था, तो ये व्हील रोटेट हो रहा था, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, I ओमेगा, इसे I1 ओमेगा 1 लिखते हैं. और बाद में एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, इसे I2 ओमेगा 2 लिखते हैं, I2 ओमेगा 2. अब प्लस क्या हुआ है, ये जो एक्सिस है यहाँ पे ये पार्टिकल भी आ गया है जिसका मास है 200 ग्राम, तो उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कुछ, तो वो कितना होता है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आई इज इक्वल टू इसका जो मास होगा और ये जो डिस्टेंस होगा ये होता है mr², तो वो भी ऐड करना पड़ेगा ये आई में. तो ये अब आई इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये आई होगा टोटल I1, ये पहला I1 प्लस, पहले सिर्फ व्हील का I1 प्लस ये I2 कितना होगा, चेंज होकर पहला जो I है ये व्हील का, सिर्फ व्हील का. अब ये मास भी गिर गया, तो ये मास का भी ऐड करना पड़ेगा mr² और ये चेंज होने वाली वेलोसिटी. तो अब हम फाइंड कर सकते हैं कि ये ओमेगा 2 कितना है, क्योंकि बाकी की वैल्यू हमें पता है. तो ये I1 कितना है इनिशियली, ये 0.5, ये ओमेगा 1 कितना है, तो ये 20 इज इक्वल टू, ये I1 कितना है, तो ये इनिशियली 0.5 प्लस, अब ये जो मास इस पर गिरने वाला है वो मास दिया है 200 ग्राम, इसका केजी में करते तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 डेसिमल इधर, मतलब 0.2, और इसका r² ये डिस्टेंस मतलब ये रेडियस हो गया, अब एज पर गिर रहा है मतलब रेडियस हो गया, और रेडियस दिए 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस को भी हम करते हैं कन्वर्ट मीटर में, तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 100 पे 20 होते तो 2 डेसिमल इधर, मतलब ये 0.2, तो रेडियस आ गए 0.2 मीटर, और इसका स्क्वायर और ये ओमेगा 2 जिसे हमें फाइंड करना है, तो ये 0.5, अब ये 0 से डेसिमल चला गया तो 5 रहेगा, सिर्फ 5 × 2 = 10 इज इक्वल टू, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या हो रहा है देखते, तो ये 0.5 प्लस इसमें क्या ऐड करना है, ये 2 × 2 = 4 × 2 = 8 और ये 3 डेसिमल, इसके 3 डेसिमल मतलब ये
0.123 इतना आ गया। अब ये दोनों की एडिशन करते हैं, यहाँ पे तो टेन इज इक्वल टू इसकी एडिशन कितनी आएगी, 0.508 इंटू ओमेगा टू, मतलब ओमेगा टू आ गया टेन डिवाइडेड बाय 0.508। अब इसका क्या करते हैं, तीन डेसिमल मतलब थाउजेंड से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, तो ये डेसिमल चला गया, तो थाउजेंड से किया तो इधर भी तीन जीरो दे देते हैं, तो अभी 500 से इसे मल्टीप्लाई कर डिवाइड करना है, तो अगर ये 500 होते तो ये कितना आ जाता, 500 होते तो ये दो जीरो जाता और ये 20 आ जाता, 500 होते तो 20 आ जाता, 500 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो 20 से थोड़ा सा कम आ जाएगा, मतलब 20 से कम आ जाएगा, मतलब 19.987 नाइन तो नहीं आएगा लेकिन 19.9 या 19.7 के लगभग आ जाएगा, तो ये डिवीजन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये यहाँ पे 10,000 डिवाइडेड बाय 508 इसे आप करोगे तो ये आ रहा है 19.68, तो ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी कितनी आएगी, 19.68, मतलब इसे लिखते हैं 19.7 रेडियन पर सेकेंड।